बच्चों हम लोग आज सीखेंगे क्लास 7 का क्वेश्चन नंबर 5। इसमें का और खा तो ये ज्योमेट्री वाले हैं। इसमें कंपास और प्रोटेक्टर की सहायता से आपको कोण त्रिभुज इसे बनाने पड़ेंगे। तो हम लोग सीधे आते हैं क्वेश्चन नंबर गा पे। किसी परिमेय संख्या का अंश उसके हर से 3 कम है। तो परिमेय संख्या आप जानते ही हैं, पी अपॉन क्यू के फॉर्मेट में लिखी जाती है, जहाँ पे क्यू 0 के बराबर नहीं होता है। सवाल कह रहा है किसी परिमेय संख्या का अंश उसके हर से 3 कम है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि जो हर है वो है एक्स। हमने मान लिया जो हर है वो है एक्स, तो अंश कितना हो जाएगा? इन्होंने कहा है जो अंश है वो हर से 3 कम है, यानी कि हर तो मेरा ये हो गया x, इससे 3 कम ये हो गया, तो अंश भी निकल आया हमारा और हर भी निकल आया। तो हमारी जो संख्या होगी, जो हमारी परिमेय संख्या होगी, वो क्या निकल के आएगी? वो निकल के आएगी x माइनस 3 अपॉन एक्स, अंश बटा हर। ये हमारी परिमेय संख्या निकल के आ गई है। अब सवाल में क्या पूछा है, यदि उसके अंश और हर में 5 जोड़ दें तो नई संख्या 3/4 हो जाती है। तो कह रहे हैं जो अंश और हर, यानी कि ऊपर भी 5 जोड़ दें और नीचे भी 5 जोड़ दें, तो जो नई संख्या है वो 3/4 हो जाती है। ठीक है, तो इन्होंने कहा ये जो नई परिमेय संख्या निकल के आई है, इसमें हम ऊपर और नीचे 5 जोड़ देंगे। तो एक्स माइनस 3, इसमें भी 5 हमें जोड़ना है और नीचे भी हमें 5 जोड़ना है। और जो नई संख्या निकल के आती है वो निकल के आती है 3/4। 3/4 नई संख्या निकल के आती है। तो अब हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है, और जब हम x की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे तो हमें अंश और हर दोनों की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। x यहाँ पे माइनस 3 प्लस 5, ये हो जाएगा प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 5 बराबर 3/4। अब यहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी कि वज्र गुणनफल करेंगे, वज्र गुणन विधि के द्वारा इसको हल करेंगे। इस 4 का गुणा एक्स प्लस 2 में होगा और इस 3 का गुणा एक्स प्लस 5 में होगा। 4 का गुणा एक्स प्लस 2 में हो जाएगा बराबर 3 का गुणा एक्स प्लस 5 में हो जाएगा। तो ये निकल के आएगा 4x प्लस 8 इज इक्वल टू 3x प्लस 15। 4x इधर भी x है, तो ये वाला x हमें इस साइड लाना पड़ेगा, ये हो जाएगा माइनस का 3x बराबर 15। इधर वाला 8 इधर जाएगा तो ये माइनस का 8 हो जाएगा। इधर बचेगा आपका 4x में से 3x गया, इधर बचेगा सिर्फ x और यहाँ पे बचेगा 7। तो हमें x की वैल्यू पता चल गई है, 7 आई है। और हमारी जो परिमेय संख्या जो हमने निकाली थी वो निकाली थी x माइनस 3 अपॉन एक्स, तो x की जगह हम 7 रख देंगे। तो ऊपर आ जाएगा 7 माइनस 3/7, तो उत्तर आएगा 4/7। ये आपका उत्तर है, ये आपकी परिमेय संख्या है 4/7। जो हम लोग अभी करेंगे क्वेश्चन नंबर घा। 4000 के 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज में अंतर ज्ञात करना है। तो देखते हैं हमें पहले सबसे पहले दिया क्या क्या है। तो हमें मूलधन कितना दिया है, 4000। दर हमें कितनी दी है, 10%। और जो हमें समय दिया है वो दिया गया है 3 साल। याद रखिए बच्चों, ये सालाना है 3 वर्ष, यानी ये 3 साल का समय दिया गया है। तो हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा मिश्र धन। मिश्र धन का एक फॉर्मूला होता है बच्चों, धन 1 प्लस जो आपका दर है बटा 100 और उसकी पावर 3, जितना भी टाइम दिया हुआ है। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे।
ये आएगा 4000। इससे हम ये लेंगे तो इधर बचेगा 11/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10 तो ये आ जाएगा 5324 रुपए। ये आपका बच्चों मिश्र धन आ गया। ये जो हमने मिश्र धन निकाला है, ये चक्रवृद्धि ब्याज वाला मिश्र धन निकाला है, तो हम ये देखेंगे कि हमें अब कितना ब्याज मिल गया है। जो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिल गया है, यानी जो चक्रवृद्धि ब्याज हमें जो मिला है अभी, वो मिलेगा 5324 माइनस मूलधन कितना था हमारा 4000। तो हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आएगा, वो निकल के आएगा 1324 रुपये। ये तुम्हारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आ गया। अब हमें निकालना है सिंपल इंटरेस्ट, यानी साधारण ब्याज, क्योंकि इसमें पूछा है ना साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में हमें अंतर ज्ञात करना। साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है PRT/100, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है। इसमें हम लोग वैल्यू रख के देख लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट बराबर मूलधन हमारा था 4000, दर हमारी थी 10, टाइम हमें दिया गया था 3/100। इन जीरो से ये सब कट जाएंगे, ये आ जाएगा आपका 1200 रुपये। ये आपका 1200 रुपये सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज आ गया है। अब हमें अंतर निकालना है, डिफरेंस निकालना है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज यानी CI और SI में अंतर कितना है। पहले हमने निकाला था कंपाउंड इंटरेस्ट 1324, उसमें से हम ये साधारण ब्याज माइनस कर देंगे तो हमारा जो उत्तर आएगा वो आएगा 124 रुपये। तो जो सवाल में हमसे पूछा है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर कितना आएगा, वो आएगा 124 रुपये। धन्यवाद।